आप सबों के बीच में मैं कुमार अंबुज फिर से एक नया टॉपिक के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूं। उम्मीद है आप लोग को अच्छी लगेगी। अगर आप लोग को अच्छी लगे तो इस चैनल के माध्यम से प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सामने कि सलीम की आयु 10 वर्ष है और उसके दादा की आयु 62 वर्ष है, कितने वर्ष के बाद उसके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना होगा। आप लोग हमेशा एक्स मानकर इसको बनाते होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ बिना एक्स मानकर, ठीक है। एकदम फाड़ू आइडिया होगा, ध्यान दीजिएगा कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है दोस्त। सबसे पहले आप प्रश्न में देखेंगे कि सलीम की आयु 10 वर्ष है, उसके दादा की आयु 62 वर्ष है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सलीम, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सलीम और यहाँ पर लिखेंगे दादा, ठीक है। अब सलीम की आयु कितनी है? 10 वर्ष है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना? 10 वर्ष, ठीक है। और इसके दादा की आयु कितनी है? 62 वर्ष है, तो दादा की जगह पर लिखेंगे कितना? 62 वर्ष। अब कह रहा था कि कितने वर्ष के बाद, तो हम क्या करेंगे दोस्त कि ऑप्शन से चलेंगे, बाई ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप बाई ऑप्शन से जल्दी हल कीजिएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है 6, तो कितने वर्ष के बाद बोला है, यानी कि 6 वर्ष के बाद बाई ऑप्शन लेंगे, तो अगर इसमें 6 साल जोड़ देते हैं तो 6 साल के बाद कितना हो जाएगा सलीम की आयु? तो 10 6 16 साल, ठीक है। अब जब 6 वर्ष के बाद ही 16 साल होगा सलीम, तो दादा भी तो बढ़ेगा ना, तो दादा में भी 6 साल बढ़ा देंगे, तो 62 6 कितना हो जाएगा? 68 साल। अब कह रहा था कि उसके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना हो जाना चाहिए, तो अब ये हो गया 16 साल और ये हो गया आपका 68 साल, तो इससे ये 5 गुना हो जाना चाहिए था, तो क्या हम देख रहे हैं कि 5 गुना हो रहा है? नहीं, 16 5 80 साल होता है अगर 5 से गुना करेंगे तो, दिया है कितना दोस्त? 68 साल। इससे साबित तो होता है कि ऑप्शन नंबर ए में मेरा क्या हुआ? गलत, ठीक है। उसी प्रकार चलेंगे ऑप्शन नंबर बी, तो अगर बी दोस्त क्या करेंगे कि बी अगर हम लेते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं 5 साल, तो अगर 5 साल इसमें अगर जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 15 साल, अगर इसमें भी 5 साल जोड़ देते हैं तो हो जाएगा कितना? 67 साल। तो बोलता है कि 5 गुना होगा, तो क्या इसका 5 गुना हुआ? नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी मेरा गलत हो गया। अब चलेंगे सी से, तो अब सी से देखेंगे तो सी को ले लेंगे 4 साल, तो यहाँ अगर 4 साल जोड़ देते हैं तो 10 6 कितना हुआ? 14। फिर यहाँ पर भी 4 साल जोड़ देते हैं तो 62 4 कितना हो गया? 66। तो फिर 5 गुना हुआ? नहीं हुआ। इससे साबित हुआ कि मेरा सी ऑप्शन भी गलत। तो लास्ट में बच गया आपका ऑप्शन नंबर डी, तो यही होगा ना दोस्त, लेकिन मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब क्या बोल रहा था कि 3 साल, तो अगर 10 में अगर 3 साल जोड़ देते हैं तो 3 साल के बाद सलीम की आयु हो जाएगी 13 साल, ठीक है, और उसके दादा की आयु हो जाएगी कितना? 62 3 65 साल, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि बोल रहा था कि 5 गुना हो जाना चाहिए, तो 13 5 65, देखिए 5 गुना हो गया ना, ठीक है। इससे साबित हुआ कि आपका ऑप्शन कौन जाएगा? 3, आपका आंसर हो जाएगा 3। देखिएगा दोस्तों, आपके सामने एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा बार बार कंपटीशन में पूछते रहता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ रेलवे और एसएससी के लिए है इंपॉर्टेंट। देखिएगा कि एक बंटन का मानक विचलन 9 है, ठीक है, तो विचलन का मान क्या होगा? विचलन बनाना है यानी वेरियंस निकालना है, तो विचरण का मान क्या होगा? तो एक फॉर्मूला आपके सामने होता है कि विचरण बराबर, ठीक है, विचरण बराबर होता है मानक विचलन, मानक विचलन,
मानक विचलन का होल स्क्वायर, क्या होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि विचलन बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे, तो लिखेंगे कि विचलन बराबर विचलन विचलन बराबर मानक विचलन आपका कितना दे रखा है 9, मानक विचलन कितना दे रखा है 9, तो लिखेंगे कि 9 का होल स्क्वायर, तो 9 का होल स्क्वायर यानी 9 9 81, यानी 9 × 9 बराबर 9 9 81, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्त। हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चन और है, ठीक है, जो कि मोस्ट वेरी क्वेश्चन होती है, आप हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा बार बार आपके सामने इर्द गिर्द घूमते रहती है, इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही इजीली क्वेश्चन है। देखिएगा, यदि 10 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, 10 लोग या फिर कितने भी लोग दिया रहेगा, यदि 10 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं तो हाथ कितनी बार मिलाएंगे, ठीक है, कितना बार हाथ मिलेगा। अब क्या करना है दोस्त, याद रखिएगा कि कोई भी पर्सन यानी कोई भी बंदा अगर हाथ मिलाते हैं तो कितने हाथ टच होते हैं, 2 बार हाथ टच होते हैं, एक उनका हाथ और एक मेरा हाथ, यानी दोनों हाथ टच होंगे। तो याद रखिएगा कि हाथ मिलाने वाला जो प्रश्न रहेगा उसका एक फॉर्मूला होता है कि कुल संख्या बराबर n इंटू n माइनस 1 बटा 2। 2 कहां से आया, हाथ मिलाया जाता है 2 बार, मतलब एक हाथ उनका मिला और एक हाथ मेरा, ठीक है, तो टोटल हाथ कितना मिला 2 बार, एक बार में 2 हाथ मिला, इसलिए कितना से भागा लगाएंगे 2 से, जहां n बराबर क्या होता है दिया गया संख्या, ठीक है, n बराबर क्या होता है दिया गया संख्या। अब आपके सामने दिख रहा होगा कि कितना लोग हाथ मिलाता है 10 लोग, तो n के जगह पर कितना मान हो जाएगा 10, तो लिखेंगे कि संख्या बराबर n, तो n के जगह पर कितना दिया है 10, तो लिखेंगे 10 × 10 − 1/2। अब क्या करेंगे, देखिएगा 2 से काट देंगे, 2 × 10 और छोटी क्वेश्चन की क्रिया पहले होगी, तो 10 में से एक गया 9, तो लिखेंगे कि 5 × 9, तो 9 × 5 कितना 45 हाथ, यानी कि कुल कितना हाथ मिलेगा 45 आंसर। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बस उसी प्रकार का है कि यदि 10 लोग आपस में काट बांटते हैं, इसके पीछे हमने बताया था कि हाथ मिलाने वाला, अब मैं बताने जा रहा हूं कि 10 लोग आपस में काट बांटते हैं तो कुल कितनी काट बांटी गई कार्ड। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम शादी का कार्ड या फिर बर्थडे का कार्ड अगर किसी दूसरे व्यक्ति को या फिर किसी पर्सन को अगर देते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या हमारी हाथ सटती है, नहीं सटती है, ठीक है, वहां पर हाथ नहीं सटती है। तो जब भी हाथ नहीं सटे तो बस आपको फोकस करना है कि नीचे जो बट्टा 2 होता था, इससे पीछे मैंने बताया था, वो नहीं होगा, यानी कि संख्या वही होगा कि संख्या बराबर n इंटू n माइनस 1, यहां पर 2 का प्रयोग नहीं होगा दोस्त, क्योंकि हाथ सट नहीं रहा है ना, सिर्फ कार्ड दे दिया जा रहा है, दूर से ही हाथ से कार्ड दे दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर n बराबर होगा दिया गया संख्या, जो आपका संख्या दिया रहेगा, तो यहां पर इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा कि n का मान कितना रखेंगे 10, ठीक है, तो 10 × 10 − 1, ठीक है, यानी कि 10 × 10 में से गया 9, तो 10 × 9 कितना 90, तो कुल कितना कार्ड बांटा गया, तो 90 कार्ड बांटा गया, यही क्या हो जाएगा आपका।